Yes, friends. So we are going to start the session within 5 minutes. Friends, so first of all, good morning, everyone. Okay, so today we are going to discuss most important thing related to digital marketing. Digital marketing क्यों जरूरी है? डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है? डिजिटल मार्केटिंग में क्यों अपना करियर बनाना चाहिए? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करने वाला है आज, ठीक है? आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट करके मुझे वो सेशन के बाद व्हेन एवर आई आस्क यू आप पूछ सकते हो, और आप पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स,
यू कैन आस्क मी बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन। अगर आप में से किसी को कोई पर्पस है, आपका क्या अटेंड करने का पर्पस है, इफ यू वुड लाइक टू शेयर देन यू कैन शेयर एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन। सो इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू लेट मी नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटेंडिंग दिस सेशन, प्लीज लेट मी नो। आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो कि आप आज का सेशन आपका अटेंड करने का पर्पस क्या है। यू कैन लेट मी नो। यस फ्रेंड्स, एनीवन वुड लाइक टू लेट मी नो कि आपका अटेंड करने का क्या पर्पस है, तो आप मुझे बता सकते हो। अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हो। यस, जो भी है, दीपक है, दिव्या दिव्या है, लाइबा एंड विनीता, यू कैन लेट मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये सेशन से क्या सीखोगे, थिंग्स यू विल लर्न फ्रॉम द डेमो लेक्चर। तो आप ये सीखोगे फ्रेंड्स कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कैसे 25,000 या उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग को सीख के, आप अपना खुद का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशंस मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, और आपका सैलरी ग्रोथ कैसे होगा एज अ डिजिटल मार्केटर, और आपको वो ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है, देन व्हाई यू शुड गो, व्हाई यू शुड, व्हाई यू नीड द लाइव ट्रेनिंग, एंड आप कौन कौन सी चीजों को सीखोगे कोर्स में, वो सारी चीज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाई डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है फ्रेंड्स? सो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर 10 रीजन से ब्राइट है। पहला है फ्रेंड्स कि डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, राइट, इफ आई विल शो यू प्रैक्टिकली कि naukri.com पर अगर मैं जाता हूँ और मैं अगर चेक करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग को जानने वाले लोगों की क्या डिमांड है, तो यहाँ से आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और लोकेशन है इंडिया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अहमदाबाद के लिए भी चेक कर सकते हैं, बट लेट अस चेक फॉर इंडिया फॉर नाउ। सो हियर यू विल बी एबल टू नो कि आज के दिन में 1,31,000 या अप्रोक्सीमेटली 32,000 वैकेंसीज ओपन है, 1,32,000 वैकेंसी, 32,000 वैकेंसी ओपन है डिजिटल मार्केटिंग को जानने वाले लोगों के। ठीक है, नंबर टू, अगर मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करूं, राइट, इफ आई ओनली डिस्कस रिगार्डिंग अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में फ्रेंड 6,500 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज ओपन है डिजिटल मार्केटिंग को जानने वाले लोग। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप जानते हो तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपको नहीं, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नेवर हैव टू वरी, राइट, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी भी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिमांड हमेशा हमेशा एवरग्रीन है, बिकॉज कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स मार्केटिंग की जरूरत है, और वो मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, बिकॉज नाउ अडेज पीपल स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम, पीपल स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि डिजिटल मार्केटिंग जो है उसकी जो स्किल्स की डिमांड है वो हाई है, उसकी जो सैलरी है वो भी अच्छी मिलती है, राइट। लेट मी जस्ट शो यू कि उसके सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, लेट मी जस्ट शो यू, हाँ देखो, अगर मैं सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो अगर आप इंडिया के बाहर
राइट, इंडिया में तो है ही है डिमांड, मैं उसकी भी आपको बताता हूँ सैलरी ग्रोथ। बट अगर आप इंडिया के बाहर हो, दुनिया के कोई भी कोने में हो, वेदर यू आर इन कैनेडा, वेदर यू आर इन यूके, वेदर यू आर इन यूएसए, कोई भी दुनिया के आप कोने में हो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पता है तो आपकी वहां पर डिमांड है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 28,000 अप्रोक्सीमेटली पाउंड की सैलरी आपको ईयरली, अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आराम से मिल सकता है। राइट, मानी अप्रोक्सीमेटली 2,500 के आसपास पाउंड की सैलरी आपकी हुई। राइट, तो कहने का मतलब ये है, मानी यहाँ का अगर आप गिनो तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख के बीच में आपकी सैलरी। राइट, अगर आपको 2 से 2 साल का अप्रोक्सीमेटली एक्सपीरियंस है तो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए अगेन डिमांड है। राइट, लेट मी जस्ट शो यू। राइट, तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी काफी डिमांड है, 1,000+ जॉब्स है, और आपको इसमें भी अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। राइट, हम लोग पे में जाते हैं तो 70,000+ जो है उसमें आप देख सकते हो, 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसमें 1,239 जॉब्स अवेलेबल है। 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 812 है, मानी काफी, आप समझ सकते हो कि आप आराम से 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास अर्न कर सकते हो एज पर द डेटा वी कैन सी हियर। ठीक है, अगर हम लोग जाते हैं कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज नाउ अडेज लॉट्स ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा फॉर द स्टडी एंड जॉब पर्पस, तो आप कनाडा में देख सकते हो कि अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, तो आप आराम से 58,000 कैनेडियन डॉलर, मानी अप्रोक्सीमेटली 5,500 कैनेडियन डॉलर पर मंथ आप आराम से अर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कहने का मतलब यह है कि आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, राइट, लेट अस जस्ट डिस्कस द इंडिया डिजिटल मार्केटर। मार्केटर सैलरी इन इंडिया, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा, इंडिया में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है। राइट, आप देख रहे हो यहां पर, आप देख सकते हो कि 4,200 मानी 42,000 के आसपास आपको सैलरी मिल सकती है। राइट, पर ईयर, तो आप देख लो कि 5 लाख से लेकर 4,200 पर मंथ, राइट, मानी 42,000 पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू आर इन इंडिया। और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, राइट, तो आप 80,000 पर मंथ सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बाद। कहने का मतलब ये है कि इसकी डिमांड फ्रेंड हर जगह पर है, और दैट इज द ब्यूटी कि आप आसानी से इसमें अपना करियर बना सकते हो। दूसरा है कि सैलरी इसमें अच्छी मिलती है फ्रेंड्स, और आपका ग्रोथ भी अच्छा है। राइट, अगर आप 5 साल इसमें काम करोगे तो आराम से 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक पहुंच जाओगे, राइट, विद इन 5 ईयर्स। और रिसेशन प्रूफ कैरियर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना के टाइम पर भी डिजिटल मार्केटिंग जानने वालों की डिमांड इंक्रीज बढ़ी। व्हाई इट इज लाइक दैट, बिकॉज फ्रेंड्स कोई भी कंपनी को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मार्केटिंग के बगैर वो अपना ग्रोथ नहीं कर सकता। राइट, विदाउट मार्केटिंग दे कैन नॉट ग्रो, सो दैट इज द रीजन दैट दिस इज अ रिसेशन प्रूफ करियर। इसमें कोई एजुकेशनल की कंस्ट्रेंट भी नहीं है फ्रेंड, अगर आप समझ लो कि कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो तो भी आप ये सीख सकते हो, साइंस से बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो फ्रेंड्स, यू कैन लर्न डिजिटल मार्केट। आप क्यों लर्न कर सकते हो, बिकॉज आप क्यों लर्न कर सकते हो, बिकॉज इसकी जो
डिजिटल मार्केटिंग है वो कंपैरेटिवली सीखने में आसान है, राइट, प्रोवाइडेड यू गेट द राइट मेंटर, तो वो सीखने में आसान है। और उसका अगर आपको बेसिक लेवल का इंटरनेट का अंडरस्टैंडिंग है तो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। दूसरा है वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल्स, यस, ओके, यस, तो आप वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल्स के लिए भी जा सकते हो। ओके, इसमें और एक चीज है, यस मैं देता हूँ, मेक लाइव रियल इम्पैक्ट। आप देखो कि जो इन्फ्लुएंसर है उसका, नरेंद्र मोदी ने सबका वो एक सेरेमनी में उनका उनको अप्रिशिएट किया था, तो बेसिकली उसका एक डेडिकेटेड उन्होंने एक फंक्शन के द्वारा वो सबको किया था। बिकॉज आज के दिन में अगर आपको जो यंग जनरेशन है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से कई सारे लोगों तक पहुंच सकते हो आप, और कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आप अगर आपको इससे ये डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से रियल एंड लाइव इम्पैक्ट भी करनी है सोसाइटी में तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द मीडिया विथ विच यू कैन रीच टू द पीपल इन मास, राइट, आप मास में लोगों तक पहुंच सकते हो। ऑनगोइंग लर्निंग, यस, तो ये ऐसी एक फील्ड है फ्रेंड कि जिसमें आपको लर्निंग जो है वो ऑनगोइंग करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बगैर आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, सो ऑनगोइंग लर्निंग शुड बी देयर। अभी सभी फील्ड में ऐसा हो गया है कि अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है यू मस्ट नीड टू हैव द ऑनगोइंग लर्निंग। आप खुद के बॉस बन सकते हो, बी योर ओन ओन बॉस, राइट, बिकॉज आपको बेसिकली अगर आगे जाके फ्रीलांसिंग करना है, घर पे बैठ के काम करना है, या अपना बिजनेस भी ग्रो करना है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आप खुद के भी बॉस बन सकते हो और आप खुद की भी ब्रांड बना सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो लोग इंटरनेट के माध्यम से खुद की एक ब्रांड उन्होंने बनाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे पॉइंट है जो हमें बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इफ यू थिंक कि अगर आपको भी लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है, या तो जो भी नॉलेज आपने यहाँ पर गेन किया, इफ यू फाइंड दैट इट इज मीनिंगफुल, आप थम्स अप करके मुझे रिप्लाई कर सकते हो, राइट, यू कैन डू दी थम्स अप एंड लेट मी नो, राइट, यस, आप थम्स अप ग्रुप में आप कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, अगर हम लोग टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे तो हमें इसमें ज्यादा ज्यादा इससे हम लोग हासिल कर पाएंगे, राइट, इफ यू फाइंड दैट द इंफॉर्मेशन यू गॉट इज हेल्पफुल प्लीज डू दी थम्स अप। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो अभी मैं और एक लिंक को ओपन करता हूँ जिसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जो भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं वो सबको ये फॉर्म को अटेंड करना है, ये फॉर्म को, यस फ्रेंड्स, ये फॉर्म को फिल करना है, बिकॉज जैसे ही आप ये लेक्चर को कंप्लीट करोगे फ्रेंड्स, हम लोग आपको ये पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग देंगे, प्लस उसके साथ में 3 SEO का बेसिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड गूगल एड्स, उसके जो बेसिक्स है उसका भी हम आपको एक्सेस देंगे। सो फ्रेंड्स यू जस्ट नीड टू फिल दिस फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, और ये फिल फॉर्म को फिल करने के बाद आप इसमें रिप्लाई थम्स अप करके कर सकते हो, यस फ्रेंड्स। तो ये आप प्लीज ये फॉर्म को ओपन करके फिल कर दीजिए ताकि मैं आपको एक्सेस दे सकूं। यस, आपको ये फॉर्म फिल करना है फ्रेंड्स सो दैट वी कैन गिव यू द रिकॉर्डिंग एंड द अदर मटेरियल्स इन योर व्हाट्सएप ओनली, राइट। आपको ये सेशन कंप्लीट करने के बाद कल तक इसका रिकॉर्डिंग और सारी डिटेल्स मिल जाएगी, प्लीज ये फॉर्म को आप फिल कर दीजिए।
और फिल करने के बाद यू कैन जस्ट रिप्लाई मी विद थम्स अप सो दैट आई कैन कम टू नो दैट यू ऑल हैव फिल्ड द फॉर्म। यस फ्रेंड्स, दिस विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स बट यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एंड द अदर मटेरियल फॉर फ्री। आप प्लीज इसको फिल करके मुझे अपडेट कर दीजिए। ओके ग्रेट, ठीक है बेनिता, डन, ठीक है, ओके। यस, और भी जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज इसको फिल करके मुझे ग्रुप में अपडेट करिए। यस फ्रेंड्स, प्लीज डू इट फास्ट। यस दिव्या जैन, लाइबा, प्लीज आप फिल कर दीजिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो और वेज है जिससे आप अर्न कर सकते हो वो है freelancer.com, मानिए ये एक वेबसाइट है फ्रेंड्स जहां से आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। इन फ्यूचर आपको सबसे पहले 2 साल इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो 2 ईयर्स यू नीड टू गिव दी फुल इनटू द डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद आप इसके माध्यम से भी आप जा सकते हो फ्रीलांसर। दूसरा, अगर आपको जॉब करनी है फ्रेंड्स तो जैसे मैंने बताया कि Indeed.com पर आप जा सकते हो और आई मीन Indeed.com पर आप देख सकते Naukri.com पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जहाँ से आप देख सकते हो कि 5,000 जॉब्स अवेलेबल है, माने अगर आपको घर पे बैठ के भी काम करना है राइट आफ्टर 2 ईयर्स वंस यू गेट द इनफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अच्छी खासी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो राइट, तो यहाँ पर आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग पता है तो यू अगर आप महीने में 2-3 भी काम कर लोगे यू कैन इजीली अर्न $250 to $300। ठीक है, आप आराम से अर्न कर सकते हो विच इज यू कैन से 24,000 25,000 राइट। अपवर्क और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप काम ले सकते हो, दैट इज अपवर्क। तो इसमें भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अपवर्क में भी काफ़ी वैकेंसीज है फ्रेंड्स जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे ओपनिंग्स हैं। तो यहाँ पर भी आप फ्रेंड्स उसके लिए काम कर सकते हो राइट, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो ये सारे फ्रेंड्स हैं जहाँ से आप काम ले सकते हो। ठीक है, जहाँ से आप काम ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद फाइवर आर, तो इस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके खुद राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग अलग अलग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने 43,000 प्राइस रखी है, यहाँ पर 4,000 है, यहाँ पर 4,000 है पर आवर का या तो एक पर्टिकुलर टास्क का। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से फ्रेंड्स काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंस क्रिएट करके काम कर सकते हो। ठीक है, तो
ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए अगर आपको करना है तो, अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है तो भी आप कर सकते हो, और सॉरी डेवलपमेंट कंपनीज में अगर आपको काम करना है तो भी आप कर सकते हो। और जो डिमांड है जो मैंने अभी आपको बताई कि अलग अलग कंट्रीज में भी इसकी डिमांड ह्यूज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सही है? तो डिजिटल मार्केटिंग अभी एक छोटी फील्ड नहीं है, इट इज अ वास्ट फील्ड जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो अगर फ्रेंड आपका एनालिटिकल माइंड है, मानी आपको चीजों को सोचना एनालाइज करना पसंद है, तो आप डेटा साइंस या गूगल एड्स दोनों में जा सकते हो, दैट इज द राइट करियर पाथ फॉर यू। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, राइट, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हो, ग्राफिक डिजाइन में जा सकते हो और वीडियो क्रिएटर में जा सकते हो, राइट। तो सब प्योर डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, बट ये सारी चीजों की डिमांड बहुत है। अगर आपको रिसर्च करना पसंद है इंटरनेट पर, तो SEO इज द राइट फील्ड फॉर यू, राइट, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन इज द राइट फील्ड फॉर यू। अगर आपको टेक्निकली चीजें पसंद है, राइट, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हो, जैसे आपने BCA किया है, MCA किया है या कुछ भी किया है जो रिलेटेड टू टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो और SEO के टेक्निकल पार्ट में जा सकते हो, राइट। तो आपको जो भी जो भी फील्ड पसंद है, मानिए आपकी जो भी इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको किस में जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है फ्रेंड, इफ यू वुड लाइक टू ग्रो योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, आपके अंदर कौन सी चीजें होनी चाहिए इन इन नटशेल, कि आपको ये चार चीजें अगर आप में है तो आप आसानी से 3 से 4 साल में डिजिटल मार्केटिंग में बेहतरीन ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चार चीजें है? सबसे पहली चीज है कि आपकी विलिंगनेस रिजल्ट प्रोड्यूस करना। जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग है फ्रेंड्स वो रिजल्ट ड्रिवन फील्ड है, मानी आपने कितना काम किया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने क्या रिजल्ट जनरेट किया। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपने कितना काम किया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने क्या रिजल्ट जनरेट किया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मानी आपको जो भी चीज कम्युनिकेट करनी है, जो भी चीज लिखनी है वो नॉर्मल इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश में आपकी सबसे पहले राइटिंग में राइटिंग पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। नंबर टू रीडिंग पर, आपको सभी चीजों को रीड करना है तो रीडिंग पर। और नंबर थ्री स्पीकिंग, सो स्पीकिंग नॉर्मली लास्ट में आता है, बिकॉज जब भी आपको बाहर के क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, एट दैट टाइम ओनली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी विल कम्स इनटू द पिक्चर। अदरवाइज इफ आप रीड और राइट कर सकते हो, दैट इज सफिशियंट। एनालिटिकल स्किल, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि बहुत सारी चीजें, बहुत डेटा प्रोड्यूस बहुत होता है फ्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग में, लॉट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस होता है। तो इसमें अगर आपकी एनालिटिकल स्किल है, राइट, इफ यू हैव एनालिटिकल स्किल, तो आप आसानी से, तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आसानी से इसको डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट को बेहतर कर, राइट। एंड लास्ट लिटिल क्रिएटिविटी, तो अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, कुछ नया सोच सकते हो, तो वो लिटिल क्रिएटिविटी इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू जनरेट मोर रिजल्ट। तो ये चार चीजें इन नटशेल, विलिंगनेस टू प्रोड्यूस रिजल्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एनालिटिकल स्किल एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिटिल क्रिएटिविटी। ये चार चीज आपको डिजिटल मार्केटिंग में बहुत आगे लेकर जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद है आप कैसे 25,000 या उससे ज्यादा अर्न कर सकते हो, तो ऑलरेडी हमने ये देखा है कि आप ये सारी चीजों को करके कर सकते हो। अगर आपको खुद का बिजनेस ग्रो करना, राइट, इफ यू वुड लाइक टू ग्रो योर ओन बिजनेस, तो आप कैसे कर सकते हो उसके लिए? उसके लिए आपको क्या करना है, तो गूगल माई बिजनेस में लॉग इन करना है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू फ्रेंड्स, आपको गूगल माई बिजनेस में, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूँ, देखो जब भी हमारे यहाँ पर एक एसी रिपेयर वाला पर्सन था, जो आज से 5 से 6 साल पहले एसी उसने मेरे घर पर जब रिपेयर की थी, अभी भी वही रिपेयर कर रहा, तो मैंने उसकी सर्विस को देख के
माने उसकी अच्छी सर्विस और एटीट्यूड को देख के मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर एक उसकी गूगल मैप्स पर प्रेजेंट क्रिएट करके दी। राइट, व्हाट आई डिड इज आई कॉम्प्लीमेंट्री उसकी प्रेजेंस मैंने क्रिएट करके दी। अगर आप आज के दिन में सर्च करोगे एसी सर्विस रिपेयर इन मणिनगर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको दिखेगा कि गोपी एंटरप्राइज एयर कंडीशनिंग, तो उसकी जो गूगल में रैंकिंग है गूगल मैप्स में वो टॉप पर है, और यहाँ से उसको कितना बिजनेस मिला है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेट मी जस्ट शो यू। राइट, मैं यहाँ पर आप देख सकते हो गोपी एंटरप्राइज, और यहाँ पर अगर हम उसके परफॉर्मेंस को देखेंगे फ्रेंड्स, तो यू विल फाइंड परफॉर्मेंस कि उसको कितने कॉल्स आए हैं। सो मई मंथ में 337 लोगों ने ये बिजनेस के साथ इंटरेक्शन किया है, और उनको जो कॉल मिले है वो 284, यस फ्रेंड्स 284 कॉल्स उनको मिले हैं इन द मंथ ऑफ मई। तो आप समझो कि इसमें से अगर 50% भी उसके प्रोजेक्ट क्लोज हुए हैं, मानी 50% लोगों ने भी 50% लोगों ने भी उनको काम दिया है, और एक सर्विस की एवरेज ऑर्डर उसकी 1000 है, सो उसको 1.5 लाख का सिर्फ 1.5 लाख का, राइट, आप यहां से देख सकते हो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और वो भी रिकरिंग रेवेन्यू। क्यों रिकरिंग रेवेन्यू? क्योंकि क्योंकि जो भी सर्विस नॉर्मली एक साल में लोगों को 3 से 4 बार करवानी पड़ती है, एवरी क्वार्टरली वन, तो कंसिडरिंग दिस थिंग्स, अगर उसने सर्विस अच्छी दी है ये सब लोगों को, तो उसकी रिकरिंग रेवेन्यू काफी जनरेट हो सकती है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि दिस इज अ फैंटास्टिक वे कि आप दुनिया में कोई भी बिजनेस को जो लोकली ऑपरेट करता है, माने उसके आसपास के रीजन में उसको सर्विस देनी है, तो उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है फ्रेंड? ये एब्सोल्युटली फ्री है, दिस इज फ्री। इसके लिए उसने एक भी रुपए खर्च नहीं किए, एक भी पैसे उसने स्पेंड नहीं किया है। राइट, तो दिस इज द वे आप रियल इंपैक्ट कर सकते हो कोई भी बिजनेस के ऊपर, आपके आसपास किसी को भी आप ये आज सीख के हेल्प कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद अगर आप फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, उसके ऊपर अपना प्रोफाइल बना सकते हो और उसके द्वारा प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका B2C बिजनेस है तो फेसबुक के द्वारा कर सकते हो, अगर आपका B2B है तो लिंक्डइन के द्वारा कर सकते हो। B2C और एज ग्रुप जो है वो 18 से लेकर 30 का है, तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, और पिंटरेस्ट अगर आप होम इम्प्रूवमेंट है, डिजाइनिंग है, राइट, इंटीरियर डेकोरेशन है, तो उसके रिलेटेड अगर आपकी है तो आप पिंटरेस्ट पर कर सकते हो। और यूट्यूब पर आप सब लोगों को पता है कि इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट के रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो यूट्यूब पर बहुत अच्छे चलते हैं। आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो खुद के बिजनेस के लिए, और अगर B2B बिजनेस है तो ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, अलीबाबा है, इसके ऊपर भी आप आपकी प्रेजेंस क्रिएट करके उसको प्रमोट कर सकते हैं, और आपकी वेबसाइट भी क्रिएट करके राइट, क्रिएट वेबसाइट एंड इंक्रीज योर रीच, तो आप आपकी खुद की वेबसाइट क्रिएट करके भी ऑल ओवर द वर्ल्ड रीच कर सकते हो। तो हम लोग आपको सिखाएंगे कि आप कैसे खुद फ्री में वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड्स, तो वो भी दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। राइट, तो इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो आप लोग पूछ सकते हो। राइट, डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फॉर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार?
यस फ्रेंड, और अगर आपको ये सही लगा है तो प्लीज थम्स अप करके मेरा कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं। यस फ्रेंड, 1 मिनट में एक। ओके, थैंक यू लाइबा। यस फ्रेंड्स, 1 मिनट में रुकता हूँ। एक मिनट फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू बिनीता, थैंक यू एवरीवन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आप में क्या क्या वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, मानी आप कौन कौन सी चीजों आप खुद कर पाओ वैसी आपकी एक स्किल डेवलप होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप खुद वेबसाइट क्रिएट कर सकते, टेम्पलेट बेस्ड, राइट। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। राइट, तो आप ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। राइट, आप कोई भी जो बेसिक लेवल की, राइट, तो ये सारी वेबसाइट आप, ये टाइप की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड्स। व्हाट एवर यू वांट यू कैन क्रिएट इट। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी से हो तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। राइट, तो ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो। दैट इज द स्किल यू विल गेट डेवलप्ड व्हेन यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। राइट, तो आप खुद की भी वेबसाइट अपने आप क्रिएट कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू विल लर्न इन द कोर्स। नंबर टू, आप टॉप में रैंकिंग ला सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूं, हमारी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी भी है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 35 पीपल वी आर वर्किंग। लेट मी जस्ट शो यू। अगर आप गूगल पर अभी सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, ठीक है, तो आपको यहां पर शाउटनाइक दिखेगा। राइट, कैन यू सी दिस फ्रेंड्स। तो हम इसमें, वी आर 35 पीपल वर्किंग इन दिस कंपनी, ठीक है। ये सारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम लोग आपको ये भी फायदा है कि अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हो तो आपको जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऐसी कंपनी से ट्रेनिंग ले रहे हो, आप ऐसी कंपनी से ट्रेनिंग ले रहे हो कि आप ऐसी कंपनी से ट्रेनिंग ले रहे हो फ्रेंड्स कि जो खुद एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। राइट, तो आपको जॉब बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। राइट, तो ये एक उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। नॉर्मली जो कंपनियां होती है उसमें क्या दिक्कत रहती है कि वो लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, यहां पर हम लोग पढ़ाते हैं उससे भी ज्यादा हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम। तो वो आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा कि रियल टाइम, जो रियल टाइम आपको एजेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे टॉप में आना है, अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग तो भी हम लोग टॉप में हैं। राइट, तो ये सारे कीवर्ड से वी आर एट द टॉप। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने खुद पहले प्रूव किया है कि हम लोग ला सकते हैं। अगर हमारा ही रैंकिंग टॉप में नहीं है तो हम आपको कैसे हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं। लेट मी जस्ट शो यू राइट, तो ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं फ्रेंड जिसमें हम लोग काम करते हैं। राइट, तो यहाँ से आप देख सकते हो, और ये सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको आपकी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पर प्रमोट करना है फ्रेंड्स, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ट्रेड इंडिया है, मीशो है, तो भी आप
उसको ऑप्टिमाइज करके कर सकते हो, तो वो भी आप सीखोगे जिससे आप ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इससे क्रिएट कर पाओ। अगर आपको आपका परफॉर्मेंस एनालाइज करना है गूगल एनालिटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से, लेट मी जस्ट शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने लोग आए, कितने नए यूजर आए, कितने लोग 28 डेज में एक्टिव है, कितने कन्वर्जन हुए आपके, आपका एंगेजमेंट रेट क्या है, कौन कौन से माध्यम से लोग आते हैं, कौन कौन से लोकेशन से लोग आते हैं, ठीक है, कौन कौन से डिवाइस मानी मोबाइल से ज्यादा आते हैं, डेस्कटॉप से ज्यादा आते हैं, एज ग्रुप क्या है इसका, उसकी कौन कौन से पेज को ये लोग विजिट करते हैं, कौन से जेंडर है, इंटरेस्ट क्या है जो लोग आते हैं उसका। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आप गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से एनालाइज कर सकते हो, राइट? तो वो आप सीखोगे इन द केस ऑफ गूगल एनालिटिक्स जो हम लोग GA4 को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट में जो हम लोग ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो भी आप सीखोगे, ठीक है? और उसमें भी कैसे पेज बनाते हैं, कैसे मेटा में कैंपेन बनाते हैं, लिंक्डइन में कैंपेन बनाते हैं, लिंक्डइन में और भी अलग अलग वे से अगर आपको मार्केटिंग करना है तो आप कर सकते हो। और लास्ट है वीडियो कैसे बनाना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन और मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेशंस भी हम लोग देंगे फ्रेंड्स, जिसमें गूगल एड्स का सर्टिफिकेट है, गूगल एनालिटिक्स का है और हमारे खुद के इंडिविजुअल सर्टिफिकेशंस है, जिससे आपको बेसिकली जॉब ढूंढने में आसानी रहेगी। अगर आप शाउट एंड आइक में ही काम करना चाहते हो तो डोर इज ओपन फॉर यू, बिकॉज वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन अहमदाबाद इन द स्पेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो हम लोग डेफिनेटली उसमें हम आपको कंसिडर कर सकते हैं। सैलरी ग्रोथ नॉर्मली फ्रेंड्स आपको शुरू में अगर आपको कोई भी लाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, आप एब्सोल्युटली फ्रेशर हो, तो आप 10 से 20 हजार की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई फील्ड में हो और अगर आप इसमें आ रहे हो, तो आप आपके एग्जिस्टिंग सैलरी में 20 से 25% का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 50 हजार है, तो आप 60,000 या 70,000, 60,000+ सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका खुद का बिजनेस है फ्रेंड्स, तो स्काई इज द लिमिट है, आपको आप जितना चाहो उतना इसमें आगे बढ़ सकते हो, राइट? सो दैट इज हाउ सैलरी ग्रोथ एज अ डिजिटल मार्केटर, राइट? यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट ईयर 15,000 और फिफ्थ ईयर तक आप 50,000 तक आराम से पहुंच सकते हो, और आप 10 साल से पहले 1 लाख से या उससे ज्यादा सैलरी अर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है फ्रेंड्स, व्हाई यू नीड ट्रेनिंग? सो ज्यादातर कंपनियां फ्रेशर को कुछ सिखाती नहीं है। अगर आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी है तो उनको पता है कि ज्यादातर कंपनियां सिखाती नहीं है। क्यों नहीं सिखाती? उसको डर है कि अगर सिखाएंगे तो ज्यादा सैलरी मांगेंगे या भाग छोड़कर भाग जाएंगे। और दूसरा कि उसके सीनियर को ये डर है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग इनको सिखाएंगे तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। तो ये दो रीजन्स है जो लोग एज अ फ्रेशर के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग में की फील्ड में जाते हैं, तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बिकॉज दे यूज टू गिव द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, राइट? तो उसको नहीं पता होता है कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए कौन कौन से और भी ऑप्शंस है जो वो सीख के और फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज द नंबर वन थिंग कि आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बिकॉज ट्रेनिंग से क्या होगा, आपको पूरी जो गूगल एड्स है, SEO है, गूगल एनालिटिक्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सभी जो ऑप्शंस है उसके बारे में आपको क्लैरिटी होगी,
और वो क्लैरिटी होने से आपको सबसे पहले ये पता लगेगा कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी नीश में जाना है, राइट? आपको कौन से कैटेगरी में अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपना करियर को ग्रो करना, बिकॉज योर इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एनालिटिकल माइंड है तो आप डेटा साइंस या गूगल एड्स में जा सकते हो, राइट? या और पेड एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हो। अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हो। अगर आपको डेटा सर्फिंग करना पसंद है तो आप एसईओ में जा सकते हो। और टेक्निकल चीजों में आपका होल्ड है तो आप टेक्निकल एसईओ में जा सकते हो या वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो। तो ये जो क्लैरिटी है वो आप एक बार सीखोगे तो पता लगेगा। आपने 5 साल एसईओ में किया और पता लगा, अरे यार मैं तो क्रिएटिव हूँ, राइट? आई कैन डू अ बेटर जॉब विद इंटरेस्ट इन वाया सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो नहीं होगा अगर आपने ट्रेनिंग ली है, राइट? उसके बाद आप आपके खुद के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो फ्रेंड्स, इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग द जॉब, तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आप जहां पर जो काम कर रहे हो उसमें डिजिटल मार्केटिंग को सीख के वैल्यू एडिशन करके फास्ट ग्रो कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको लाइव ट्रेनिंग क्यों लेनी है, राइट? व्हाई यू शुड गो विद लाइव ट्रेनिंग? तो लाइव ट्रेनिंग में नॉर्मली टू इंटरेक्शन होता है जिससे आपको ज्यादा एंगेजमेंट रहता है फ्रेंड्स। दूसरा, जो हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं फ्रेंड्स, राइट, वो नॉर्मली प्रैक्टिकल केस स्टडीज पर होती है, प्रैक्टिकल होती है और केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो आपको पूरा प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलेगा। और हम लोगों ने जो सिस्टम बनाई है, राइट, हम लोगों ने जो सिस्टम बनाई है वो सिस्टम से आप आसानी से अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। सो ये हम लोग बाद में, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आपको नॉर्मली उसका तुरंत आंसर मिलेगा, राइट? और लाइव ट्रेनिंग से आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका पैसा बच सकता है, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो तो इट सेव्स योर ट्रांसपोर्टेशन टाइम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड यू कैन डू इट अलोंग विद दी अदर जॉब, राइट? आप एग्जिस्टिंग जॉब के साथ भी इसको कर सकते हो। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ से ट्रेनिंग लेते हो, राइट, तो उसके क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला फायदा ये है कि हम लोग पहले 3 सेशन फ्री में दें आपको। पहले तीन सेशन में रिफंडेबल फीस देकर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके अलावा 3 फ्री सेशंस है, का नंबर वन है, नंबर वन रीजन। नंबर टू रीजन ये है फ्रेंड कि हम लोग नॉर्मली 10-15 से ज्यादा हमारे उसमें नहीं होते, 10-15 स्टूडेंट्स ही होते हैं, माने आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी, राइट? पर्सनल ट्रेनिंग की ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग मिलेगी, राइट? क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं है कि 40 लोग बैठे हैं और पता ही नहीं है कि भाई कौन क्या कर रहा है, 10 से 15 लोग मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और आप सबके ऊपर एक पर्सनल अटेंशन रहेगा तो उससे भी आप ज्यादा सीख पाओगे। जो ट्रेनिंग है वो पूरी मैं ही डिलीवर करता हूँ, और मुझे ये फील्ड में 16 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, राइट? मैं अभी आपको दिखाता हूँ, राइट, लेट मी जस्ट शो यू। राइट, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है फ्रेंड्स, और यू कैन सी के मैं 2006 से ये फील्ड में हूँ, राइट? 2006 से ये मेरी प्रोफाइल है फ्रेंड्स, और यहाँ से आप देख सकते हो राइट। ये बेसिकली मुझे अभी लॉगिन करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू सी, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर प्रोफाइल से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आप प्रोफाइल को लॉगिन होकर देख सकते हो कि आई हैव 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और आपको नॉर्मली जो भी चीजें सिखाऊंगा मैं वो प्रोसेस ड्रिवन होगी, स्ट्रेटजी ड्रिवन होगी, प्रैक्टिकल होगी। और इसके लिए हमने क्या किया है फ्रेंड्स, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ।
ये जो सारी है ना फ्रेंड्स, ये हमने ट्रेनिंग, मैंने 15 साल से मेहनत करके सभी चीजों को प्रोसेस के फॉर्म में कर दिया है। मानिए अगर आपको आज SEO करना है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, लोग PPT पर सिखाते हैं, लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, PPT पर सिखाते हैं, और जब आपको प्रैक्टिकल आपके पास प्रोजेक्ट आए तो आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तो ये दिक्कत है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट आया तो आपको क्या करना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, ए बी सी डी, व्हाटएवर द एक्टिविटी यू वुड लाइक टू डू, उसकी पूरी प्रोसेस बनी है। तो ये प्रोसेस क्यों बनाई है, बिकॉज हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते, हम लोग ट्रेनिंग से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रूवन प्रोसेस है। क्या है फ्रेंड्स, प्रूवन प्रोसेस है, और वो प्रूवन प्रोसेस हमने एक्सपीरियंसेस बनाई है, ठीक है। तो वो जो प्रूवन प्रोसेस हमने बनाई है फ्रेंड्स, जो प्रूवन प्रोसेस हमने बनाई है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ और आपको सिखाता हूँ। उससे आपको क्या फायदा होता है कि जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंटर होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पता ही नहीं होता है आपको, यू डोंट नो कि आपको किस तरीके से इसमें काम करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज द रीजन के हम लोग अलग है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने अभी तक 500+ कैंडिडेट को ट्रेन किया है, ठीक है, वी हैव ट्रेन मोर देन 500+ कैंडिडेट, और 1000+ वेबसाइट्स को हमने ऑप्टिमाइज किया है। 100% प्लेसमेंट पार्ट 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है हमारा, और हमारा प्लेसमेंट पार्टनर की जो भी हमारी जो है मैं आपको दिखाता हूँ प्लेसमेंट पार्टनर के लिए, जस्ट अ मोमेंट। देखो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एज सून एज जब भी आप यहाँ से क्लियर करके जाओगे, हम लोग आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर रख देंगे, राइट। और ये सारे प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, राइट। ये प्लेसमेंट पार्टनर जो है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने प्लेसमेंट पार्टनर हैं। प्लेसमेंट पार्टनर है फ्रेंड्स, कितने प्लेसमेंट पार्टनर है, 146। तो आप आराम से 140+ जो प्लेसमेंट पार्टनर है उसमें से कहीं पर भी आप जॉब अप्लाई करके आराम से जॉब ले सकते हो। ये हमारे प्लेसमेंट पार्टनर है, जो अगर उनको वहां पर हायरिंग की जरूरत है तो ये दे यूज टू कॉन्टेक्ट अस, राइट, दे यूज टू कॉन्टेक्ट अस, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि आप आराम से जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जॉब रेडी है, आपको सिर्फ जो बताया गया है उसके हिसाब से आपको काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट्स देंगे, और जो हमारी टीचिंग स्टाइल है फ्रेंड्स वो ये पिरामिड की तरह है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो आप जो भी चीज सीखोगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप सिर्फ सुनते हो तो सिर्फ आप 5% चीजों को समझ पाओ, अगर आप रीड भी करते हो, मानी ये जो सेशन है उसने अगर आपको रीड भी किया है तो आपको 10% दिमाग में बैठता है, अगर आप ऑडियो विजुअल मानी मैं आप बोलते भी हो और सुनते भी हो, राइट, तो आप 20% समझते हो, और डेमोन्स्ट्रेशन मानी अगर मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है तो वो ज्यादा लर्निंग हो जाता है, दैट इज 30%, राइट। विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यू गेट 30% आप उससे सीखते हो, ठीक है। और अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो मानी उसमें इन्वॉल्व होते हो, एक्टिव लर्नर, तो आपका जो लर्निंग है वो 50% हो जाता है। प्रैक्टिस अगर आप करते हो खुद तो वो 75% हो जाता है, और अगर आप और किसी को सिखाते हो तो आपका 90% हो जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स लर्निंग पिरामिड है, वो लर्निंग पिरामिड को ध्यान में रख के हम लोग सिखाते हैं, ये लर्निंग पिरामिड को ध्यान में रख के हम लोग सिखाते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कंट्रोल नॉर्मल यहाँ तक, डेमोन्स्ट्रेशन तक हमारा कंट्रोल, तो हर एक प्रोजेक्ट को जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वो आप करते हो, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, गूगल क्लासरूम बनाया है। लेट मी जस्ट शो यू,
हम लोग क्या करते हैं, जो भी बैच अभी चल रही है फ्रेंड, तो उसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग ऐसे यहाँ पर लेक्चर को ऐड करते हैं, ऐसे आपको लेक्चर मिलेगा राइट यूट्यूब पर, और आपको यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज है उसकी सैंपल एक्सरसाइज भी मिलेगी राइट, ये सैंपल एक्सरसाइज भी और वीडियो भी है, तो यहाँ से आप आसानी से काम कर सकते हो राइट। तो ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए बनाया है, या ये प्लेटफॉर्म का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका लर्निंग आसान हो जाए, आपका लर्निंग ज्यादा अच्छा रहे, और इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा राइट। और आपको जो भी ट्रेनिंग मिलेगी, जैसे पहले बताया है, 100% प्रैक्टिकल होगी, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ होगी, और जो भी पास कैंडिडेट ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है उसका क्या कहना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड कि वी हैव अराउंड 305 रिव्यूज, और जो एवरेज रेटिंग है वो हमारा 4.5 से ज्यादा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज द रीजन के जो भी स्टूडेंट ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, दे आर हैप्पी विथ द ट्रेनिंग। पूरी ट्रेनिंग नॉर्मली मैं दूंगा, और मैंने ऑलरेडी मेरे बारे में आपको बताया है। और अगर आप होम मेकर हो या स्टूडेंट्स हो राइट, अगर मानिए आप स्टूडेंट हो या होम मेकर हो, तो किस तरीके से आप आरओआई को एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो सिंपल समझो फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो फीस है राइट, वो फीस आप 3 महीने में आराम से उसका आरओआई जनरेट कर सकते हो राइट। सपोज 25,000 आपने पे किए है फ्रेंड्स फीस के तौर पर, और अगर आपको, मैं तो बोलता हूँ, 10,000 की भी जॉब मिली स्टार्टिंग में, तो आप 3 महीने में आप आराम से 30,000 अर्न कर लोगे राइट, विच इज हायर देन 25,000, और उसके बाद आप जो भी अर्न करोगे, जो भी आपका ग्रोथ होगा वो आपका आरओआई। सो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप आसानी से ये ट्रेनिंग को सीखने के बाद आपको 3 ही महीने में आपकी फीस वापस मिल जाएगी। और हाउ एक्सपीरियंस कैन एक्सपेक्ट आरओआई राइट, तो अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, तो आपको 20,000, अगर 20 अगर आपका 20,000 सैलरी है तो आप आसानी से सॉरी सॉरी अगर आपकी 50,000 सैलरी है, तो आप आसानी से 10-15 हज़ार आपको ज्यादा मिल गए, तो 2 महीने में आपको आरओआई मिल जाए। बिजनेसमैन के लिए तो स्काई इज द लिमिट है, बिकॉज स्काई इज द लिमिट है फ्रेंड्स, तो बिजनेस पर्सन के लिए उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप आसानी से वहां से ट्रेनिंग अर्न कर सकते। अगर आप में से किसी को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी देनी है, तो भी हम लोग सर्विस देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको शाउट एंड एग बताया राइट, जिसमें हम लोग बेसिकली वी आर 35 पीपल वर्किंग अंडर इन दिस कंपनी, और हम लोगों ने काफी प्रोजेक्ट राइट, हम लोग ये 1,000+ प्रोजेक्ट हमने किए हैं ठीक है। अभी AI पावर्ड, यस, तो इसकी और एक चीज क्या है फ्रेंड्स कि आपको पूरी ट्रेनिंग AI को ध्यान में रख के मिलेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, लेट मी जस्ट शो यू, हम लोग 3 AI से, नॉर्मली 3 AI को पूरी ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। एक जेमिनी है जो गूगल का है, को पायलट है वो माइक्रोसॉफ्ट है, और जो चैट GPT है वो OpenAI का है। तो ये तीनों को हम लोग, हमने क्या किया है, लेट मी जस्ट शो यू, आइडिया, हमने सारे जितने भी टॉपिक्स है ना फ्रेंड्स, वेदर इट इज सोशल मीडिया, वेदर इट इज SEO, सारे के प्रॉम्प्ट क्रिएट कर, क्या किया है फ्रेंड्स, प्रॉम्प्ट क्रिएट किया। और ये प्रॉम्प्ट क्रिएट करने से क्या होता है, व्हाट हैपन, आप जो चीजों को कैसे उसमें आपको पूछना है वो आप आसानी से मैनेज कर सकते हो, हाउ यू शुड आस्क देम, तो आप आसानी से मैनेज कर सकते हो राइट। तो आप देख सकते हो अभी ये जैसे ही लोड होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 500 से ज्यादा प्रॉम्प्ट बनाया है, जिसको आप यूज करके आपका काम आसान कर सकते हो। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल टू गिव यू द आइडिया दैट हाउ टू, मैं यहाँ पर, अगर आप में से किसी को रेस्टोरेंट है, आप में से किसी को AC सर्विस है फॉर एग्जांपल, और अगर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लोगो बनाना है ठीक है, तो लोगो के लिए मैं आपको दिखाता हूँ।
हमने यहां पर एक प्रॉम्प्ट बनाया है, ये रहा। ठीक है, मैं आपको सिंपल ये दिखाता हूं ऑप्शन कि आप किस तरीके से फास्ट काम करोगे। कैन यू हेल्प मी क्रिएट अ लोगो फॉर एसी सर्विस, एसी सर्विस एंड रिपेयर कंपनी इन अहमदाबाद, राइट? ऑल्सो सजेस्ट टैगलाइन। ठीक है, ठीक है, चलो मैं पूछता हूं यहां। ठीक है, तभी ये बना बनाकर हमें दे दे। कूल कंफर्ट एनी टाइम एनीवेयर। अरे एक मिनट हो, मुझे लॉग इन होना पड़ेगा, उसके बगैर दे विल नॉट अलाउ मी टू। मानी पहले जो टाइम फ्रेंड्स जो चीज करने में आपको 5 घंटे लगते थे, इधर काफी टाइम लगता था, वो अभी आप आसानी से कर सकते हो। और मैं इसको बोलता हूँ 10 टाइम्स प्रोडक्टिविटी, मैं इसको बोलता हूँ 10 टाइम्स प्रोडक्टिविटी। आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आपको आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना करना है, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, यहाँ पर कलर पैलेट मानी कौन से कलर यूज कर सकते हो, टैगलाइन, ठीक है, कैन यू क्रिएट अ लोगो कंसिडरिंग अबाउट इंफॉर्मेशन फॉर गोपी एंटरप्राइज। ठीक है, आ गया लोगो। ठीक है, उसने लोगो भी बना दिया है, राइट? आप देख रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप आसानी से, यस, यहां पर और आया लोगो, एआई की मदद से आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये रहा गोपी एंटरप्राइज, गोपी एंटरप्राइज। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट गुड कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो ये जो सारे हैं फ्रेंड्स, मैं यहां पर ठीक है, तो आप यहां से कॉपी, तो ये सारे प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स, और यहां से फिर आप आपका काम जो और प्रोडक्टिविटी है वो यू कैन इंक्रीज लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो ये सिर्फ एसईओ के लिए नहीं है फ्रेंड, ये गूगल एड्स के लिए भी आपको मिलेगा। एक मिनट हो, मैं आया फ्रेंड्स, 5 मिनट में आया, जस्ट मिनट।
यस मैम, तो ये पूरी जो एआई की ट्रेनिंग है वो इसके अंदर ही है, और इसका गोल यही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर हमें आपके फीडबैक दे सकते हो, राइट? आई रियली अप्रिशिएट कि आपके जो भी फीडबैक है वो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिंक को दे देता हूँ, राइट? तो प्लीज आप आपके फीडबैक यहाँ पर दो, दैट विल बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस कि हम लोग जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है? तो यस सर, तो यहाँ पर आप आपका फीडबैक शेयर कर सकते हो। उसके बाद आप क्या सीखोगे वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट यू विल लर्न। तो सबसे पहले आप सीखोगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप सीखोगे कि कैसे कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है एसईओ का फ्रेंड्स, तो आप किस तरीके से क्वेश्चनर के माध्यम से क्लाइंट से डिटेल्स ले सकते हो। दैट इज नंबर वन थिंग यू विल लर्न इन द फर्स्ट सेशन, राइट? ये हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें आप लर्न करोगे कि किस तरीके से आप किस तरीके से आप कोई भी प्रोजेक्ट नया आता है तो आपको कौन कौन सी डिटेल्स पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आप सीखोगे फ्रेंड्स वो ये है कि पेज ऑन पेज कैसे करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर से बताता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू विथ वन एग्जांपल टू गिव यू द आइडिया। ads.google.com, जहां पर फ्रेंड्स आप राइट, तो यहां पर इफ यू वांट राइट, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स कि सपोज आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया में इसकी क्या डिमांड है, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो कि 14,800 पीपल आर सर्चिंग विद, और उसकी जो डिमांड है वो काफी इंक्रीज हुई है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, दैट यू कैन सी। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 49,500, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, और जो ज्यादातर लोग सर्च करते हैं वो भी यहाँ पर मिलेगा कि किस तरीके से। सो मोबाइल से 57% है और डेस्कटॉप से 42% लोग सर्च करते हैं, और इसकी जो सबसे ज्यादा डिमांड है इंडिया में, राइट? अगर हम लोग सिटी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, उसके बाद मुंबई में है, हैदराबाद में है। तो दीज आर द प्लेस वेर डिजिटल मार्केटिंग को जानने वाले लोगों की डिमांड सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है? सो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ से काफी अच्छा बिजनेस निकाल सकते हो, ठीक है? काफी अच्छा बिजनेस यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो ये आप सीखोगे कीवर्ड रिसर्च में। उसके बाद अगर आपको टॉप में आना है तो किस तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इन अहमदाबाद, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको टाइटल मिलेगा, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर उसका लिंक है। तो
किस तरीके से आप ये सबको ऑप्टिमाइज करके टॉप में आ सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें मिलेगी। मैं दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू। उसके लिए हमने जो फॉर्मेट बनाया है वो है पेज ऑन पेज, तो आप पेज ऑन पेज के माध्यम से ये पूरी चीज कर सकते हो। राइट तो यहां से आप देख सकते हो कि जो कीवर्ड्स है उसकी डिमांड क्या है, उसका यूजर का इंटेंशन क्या है, कौन से पेज पर हम उसको टारगेट करेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स है। राइट तो ये पूरा फॉर्मेट हमने बनाया है। और ये पूरे फॉर्मेट से क्या फायदा होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस फॉर्मेट इज कि आप ये फॉर्मेट को सीख के आपका खुद अपने खुद के लिए या तो कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से कर सकते हो। दिस थिंग्स यू विल लर्न, ठीक है। उसके बाद जो आप सीखोगे वो है कि डोमेन नेम और वेबसाइट होस्टिंग कैसे चूज करनी है, वो आप सीखोगे, ठीक है। उसके बाद एडवांस सर्च गूगल में कैसे करना है, राइट। इफ यू वुड लाइक टू डू द एडवांस सर्च इन गूगल एंड AI, आप सीखोगे टूल्स को कैसे यूज करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे चेक करना है कि मेरी वेबसाइट, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ऐसे किसी को भी अगर स्क्रीनशॉट, देखो डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई भी चीज करनी है तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन गैप ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चीजों को डॉक्यूमेंटेड करके आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, कैप्चर, और कैप्चर करने के बाद आप यहां पर इसको तो लिख सकते हो कि भाई मेक चेंजेस इन कॉन्टेक्ट नंबर। ऐसे आप अगर आपको लिख रहा है तो आप लिख सकते हो कि अगर मुझे ये नंबर चेंज करना है तो मैं यहां से उसको डिजाइनर को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, और यहां से कॉपी और फिर मेल को कंपोज करके ऐसे आप भेज सकते हो। राइट यहां से कॉपी करके आपके ईमेल बॉक्स में इसको पेस्ट करके, कैन यू सी दिस फ्रेंड्स। यहाँ से फिर आप आपकी प्रोडक्टिविटी ये टूल के माध्यम से बढ़ा सकते हो। तो दैट यू आर गोइंग टू लर्न, ये आप सीखोगे उसमें, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक एनालिसिस कैसे करना है, मनी कैसे लेना है, टेक्निकल SEO कैसे करना है, ये सारी चीज आप सीखो, ठीक है फ्रेंड्स। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट से लीड कैसे बढ़ानी है तो वो आप सीखोगे, राइट। वेबसाइट पर कैसे चेंजेस करने से आप लीड बढ़ा सकते हो। उसके बाद लोकल बिजनेस, तो जो मैंने आपको गोपी एंटरप्राइज का एग्जांपल दिया उससे आप कैसे कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स, जो मैंने आपको स्लाइड में बताया कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कौन से विजिटर्स आ रहा है, वो आप देख सकते हो। गूगल एंड बीइंग पेड प्रमोशन, तो आप अलग अलग टाइप के कैंपेन बना सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, कैंपेन, न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन,
यस फ्रेंड्स, तो अगर आपको सेल बढ़ाना है वो भी आप कर सकते हो, लीड बढ़ानी है तो भी आप कैसे कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना है तो कर सकते हो, ऐप प्रमोशन करनी है, अवेयरनेस करनी है, लोकल जो आपका बिजनेस है वहां पर आपको ट्रैफिक बढ़ाना है, और कोई भी और तरीके से आपको करना है, तो ये सारे तरीके से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपका कैंपेन बना सकते हो। तो ये सारे टाइप के आप लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है, मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल पर आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो आपकी वेबसाइट को, सोशल मीडिया में, लेट मी जस्ट शो यू। मेटाड्स, देखो फ्रेंड्स इसमें लेट मी जस्ट शो यू, आई डिडंट फाइंड द एग्जैक्ट इमेज, मेटा एड्स, सो मेटा एड्स में फ्रेंड्स आपकी ऑनलाइन सेल बढ़ाने के लिए, क्वालिफाइड लीड बढ़ाने के लिए, राइट, उसके बाद ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, और ये सारे कैंपेन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में, एंड लास्ट है वर्क मैनेजमेंट, तो किस तरीके से वर्क मैनेजमेंट किया जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेट मी जस्ट शो यू। सो हम लोग बेसिकली पहले मंथ में क्या करना चाहिए, पहले तो कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है इसमें, उसके बाद फर्स्ट मंथ में क्या करना चाहिए, सेकंड मंथ में क्या करना चाहिए, थर्ड मंथ में, एंड सो ऑन, ये सारी चीज आपको रेडीमेड मिलेगी, ये टेम्पलेट पूरा रेडीमेड मिलेगा जिससे आप कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट, यू कैन एग्जीक्यूट एनी प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द केस ऑफ एसईओ मंथली स्ट्रेटजी, या तो डिजिटल मार्केटिंग मंथली स्ट्रेटजी, मैं मंथली एसईओ की जगह पर यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन हेल्पफुल एंड मीनिंगफुल हुआ है, आई एम गोइंग टू गिव यू द ट्रेनिंग, द होल ट्रेनिंग, ठीक है। और अगर आप नॉन आईटी, जॉब गारंटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, यू कैन डू इट, और टाइमिंग टाइमिंग एंड डेज क्या रहेंगे वो हम आपको बताएंगे, और कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, और कितने टाइम में आपकी सैलरी रिकवर हो जाएगी तो वो भी मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स अभी आप ये सेशन के बाद दिलशा इज गोइंग टू कांटेक्ट यू, या आप दिलशा को कांटेक्ट कर सकते हो, और आगे क्या है आपका प्लान तो उसको आप बता सकते हो। यस दिलशा, यू वुड लाइक टू से एनीथिंग? दिलशा यू देयर? गूगल ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, और हम लोग दिलशा इज गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू।
ठीक है, हाँ मैं अनम्यूट, यस यस मैं अनम्यूट कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, यस यू आर राइट। अनम्यूट, गूगल ठीक है, यस दिलशा, इफ यू वुड लाइक टू से एनीथिंग। यस सर, मैं सबको कांटेक्ट कर लूंगी, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट मी बैक। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दिलशा।